हम इस दुनिया में क्यों हैं? वाई आर वी हेयर इन दिस वर्ल्ड? लॉजिकली हमारे पेरेंट्स की वजह से, कि आर पेरेंट्स हैड सेक्स, उन्होंने संभोग किया और हमारा जन्म हुआ। बट इससे तो कहानी सॉल्व नहीं हुई। आप समझ रहे हैं कि इतना तो सबको पता है, और आप ये जानने तो नहीं आए हैं यहां पर। देखो, खाली लॉजिक से काम नहीं चलता, वी हैव टू गो बियॉन्ड इट। हमें लॉजिक से भी ऊपर जाना चाहिए, और ना केवल थ्योरेटिकल तरीके से, फिलोसॉफिकल तरीके से, या एक्सप्लेनेशन के तौर पर, बल्कि एक फैक्ट की फॉर्म में भी चीजों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। कि लॉजिकली सबको पता है, बट ये क्वेश्चन फिर भी रेज होता है हमारे अंदर। वो क्या है जो चीज, वो ऐसा क्या है हमारे अंदर जो इस क्वेश्चन को बार बार गति देता है? ऐसा क्या है हमारे अंदर कि जो हमें मजबूर करता है इन चीजों को जानने के लिए? तो मैं बात कर रहा हूं कि हम इस दुनिया में क्यों हैं और क्या कर रहे हैं। हम इस क्वेश्चन को एक एक्सिस्टेंशियली के क्राइसिस की तरह से नहीं पूछ रहे हैं। ऑफ कोर्स कई लोग इसलिए आए भी होंगे, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस की एंजाइटी उनको होगी। बट यहां पर मैंने बताया कि सिर्फ फिलोसॉफिकली, लॉजिकली, या फिर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे इस हिसाब से ना देखो इस क्वेश्चन को, और इसके आंसर को खोजने की कोशिश करो। सच्चाई के साथ रहो कि देखो तुम्हारे अंदर ये डाउट अभी भी आ रहे हैं क्यों। क्या ये तुम्हारी कंडीशनिंग का हिस्सा है कि तुम्हें ये चीज जाननी है क्योंकि और लोगों ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, या फिर और लोगों ने इसकी इंक्वायरी की हुई है, या फिर नेचुरली ये तुम्हारे अंदर क्वेश्चन आ रहा है, या फिर तुम किसी चीज से परेशान हो जो इस अपने एग्जिस्टेंस से, जिस जगह पर तुम हो उसे तुम क्वेश्चन कर रहे हो। क्या रीजन हो सकता है कि तुम इस प्रश्न को पूछ रहे हो, इस क्वेश्चन को पूछ रहे हो? क्या तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए? क्या तुम्हें मीठे मीठे शब्द चाहिए? और क्या तुम्हें साइंटिफिकल एविडेंस चाहिए, साइंटिफिकल नॉलेज चाहिए? तुम क्यों ये प्रश्न कर रहे हो, तुम क्यों ये पूछ रहे हो, इसका क्या रीजन है? मैंने बताया कि लॉजिकली लॉजिकली हमें पता है हम क्यों आए हैं, बट इससे काम नहीं चलेगा। थॉट, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी कहती है कि हम हो सकता है इसलिए आए हो क्योंकि हम जो हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो हुई हैं, हम एक ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे। बात करने वाले लोग कहते हैं कि हम ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे जहां पर हमने सोचा कि हम परमात्मा से एक बार अलग होकर देखें, और फिर हम अलग होकर देख रहे हैं तो हम अब सफरिंग फेस कर रहे हैं, इसलिए अब हम इस दोबारा दुनिया में नहीं आएंगे। ऐसी कुछ स्टोरीज हैं। या फिर ये क्रम चल रहा है बिना विदाउट कॉजेशन, मतलब इसका कोई कारण नहीं है, कोई कॉज नहीं है, इसको कंसेप्चुलाइज नहीं किया जा सकता कि ऐसा क्यों है। हम इस पर क्वेश्चन तो उठा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर आंसर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि इसका आंसर भी हमें क्वेश्चन जैसा ही मिले, लेकिन फिर भी हम इससे सेटिस्फाई ना हो। तो बात फिर वहीं की वहीं रह जाती है कि हम यहां पर क्यों हैं। Who is here?
हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन? योर थॉट, योर कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग, योर मेमोरी. नेचुरली ये क्वेश्चन आ रहा है. इस क्वेश्चन के साथ हम रहें थोड़े समय तक, इस क्वेश्चन को विदाउट मोल्ड किए. इस क्वेश्चन का आंसर जाने बिना इस क्वेश्चन को रहने दो जहां पर ये है. ये अराइज हो रहा है और अपने आप उस जगह पर चला जाएगा जहां से ये क्वेश्चन आया है. सोचो, ऐसा तो नहीं है कि हर समय तुम्हें ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, कभी कभार आता है. ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन जस्ट लाइक कि ये तुम्हारे साथ चिपका ही हुआ है, आ जाता है कभी कभार. तुम अपने एक्सिस्टेंस पर क्वेश्चन करने लगते हो और मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें हैं. फिर तुम सोचते हो, वो एम आई, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, मैं एम्प्टीनेस हूं, नथिंगनेस हूं. कम ऑन, डोंट प्ले विद द वर्ड्स, एक्सप्लेनेशंस, इन चीजों के साथ मत खेलो. सी द ट्रूथ ऑफ इट. और मैंने बताया कि इस क्वेश्चन के साथ जब तुम रहोगे, इसको विदाउट मोल्ड किए या फिर इसका आंसर ढूंढे, तो ये क्वेश्चन अपनी जगह वापस लौट जाएगा. और जब ये क्वेश्चन अपनी जगह वापस लौट जाएगा तो तुम्हें कुछ टाइम बाद ऐसा लगेगा तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये क्वेश्चन तुम्हारे मन की उपज थी, ये तुम्हारे मन का भ्रम था और कुछ नहीं. इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था, बस ये क्वेश्चन उठ गया तुम्हारे दिमाग में. आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो अंत में मैंने बताया कि आप अगर सच में स्पिरिचुअलिटी में या फिर इन चीजों पर आपको इंटरेस्ट है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अवेयरनेस क्या है, थॉट क्या है, थॉट से फ्रीडम कैसे मिले, पीस क्या है, सफरिंग क्या है, ऐसी कुछ चीजों के बारे में आप जानना चाहते तो आप मेरा आपको इनवाइट करो अपने क्रैश कोर्स में. और इस क्रैश कोर्स में टोटल 24 टॉपिक्स है, 24 वीडियोस होंगी. और इसके अलावा मैं आपको दूंगा गाइडेड मेडिटेशन की 40 से 50 वीडियो, प्रैक्टिकल मेडिटेशन की, सत्संग की. तो आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजें हो जाएंगी. और ये प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स है ये. इसका जो प्राइस होगा वो होगा 2000 रुपीज, 2000 रुपये. और बिल्कुल इसको सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं. कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.